इंडिया गठबंधन से जुड़ी। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान किया है। टीएमसी अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेगी, ये बड़ा ऐलान किया गया है। मेरा प्रस्ताव नहीं माना इसलिए अकेले लड़ेंगे, ये कहा है ममता बनर्जी ने। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां इंडिया गठबंधन से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां पर ममता बनर्जी ने अकेले लोकसभा चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। हालांकि पहले ही काफी उठा पटक देखने को मिल रही थी, जिस तरीके से टीएमसी द्वारा कहा जा रहा था कि दो ही सीटें वो कांग्रेस को देगी और इस पर कांग्रेस नाराज नजर आ रही थी। लेकिन उसके बाद अब ये तस्वीर साफ होते हुए, जहां पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि वो लोकसभा चुनाव अकेले ही लड़ने वाली हैं। इस बात के संकेत हालांकि काफी पहले से ही मिलने शुरू हो गए थे कि ममता बनर्जी जो कह रही थी, पहले उनके बयान सामने आए थे कि सीट शेयरिंग में देरी हो रही है कांग्रेस की वजह से, ये बड़े बयान उन्होंने सामने रखे थे। और लगातार वो कह रही थी कि वो कांग्रेस को केवल दो ही सीट देंगी बंगाल में, और इस पर उनकी बात नहीं बन रही थी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा था कि अगर ऐसे किया जाएगा तो बात आगे नहीं बढ़ सकेगी। जिसके बाद अभी तस्वीर साफ होती हुई, जहां टीएमसी अकेले लोकसभा चुनाव में लड़ने वाली है, इस वक्त की बड़ी खबर, जहां उन्होंने कहा कि मेरा प्रस्ताव नहीं माना गया इसलिए मैं लोकसभा चुनावी मैदान में अकेले ही उतर रही हूं। यानी टीएमसी अब आगामी आम चुनावों में अकेले चुनाव लड़ने वाली है। और यहाँ तक कि कांग्रेस के अंदर भी वही चीज चल रही है, ये एक परिवार को संभालना है, एक परिवार के लोगों को संभालना है, फिर संपत्ति का झगड़े है, परिवार के अंदर जो करप्शन का पैसा है उसको संभालना, वो भी एक सरदर्द है। ये दो तीन चीजों के पीछे उनको अपना एक वजूद बनाना पड़ेगा, इसलिए वो इंडी गठबंधन में रहेंगे, उनको हानि ज्यादा होगी, ये समय समझ में आ रहा है उन लोगों, इसलिए वो लोग अपने आप को अलग करना चाह रहे हैं, इसलिए ममता बनर्जी ने ये पहल की है। तो इस बात का अंदेशा तो पहले से ही लग गया था ना, जब न्याय यात्रा के पहुंचने से पहले ममता बनर्जी ऐसी बयानबाजी कर रही थी कि कांग्रेस की वजह से देरी हो रही है, और उन्होंने कह दिया था कि दो ही सीट देंगे हम कांग्रेस को, क्या इसको लेकर ही उठापटक हुई है, क्योंकि ये दो सीट पे कांग्रेस नहीं मान रही थी। बिल्कुल, देखिए दो सीट से उनका कुछ फायदा भी नहीं होने वाला, कुछ निगोशिएट भी नहीं कर पाएंगे ना, और फिर सारा कुछ अगर कांग्रेस को दे देंगे तो कांग्रेस शासन करेगी, वोट बैंक तो सारा वही जाएगा, उनका ही जाएगा। तो जो ग्रास रूट पे वो लोग काम कर रहे हैं उधर, जैसे ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में इस समय उसने कम्युनिस्टों को साइड में किया हुआ है, दूसरा बहुत हद तक उन्होंने कांग्रेस को खत्म कर ही दिया है, तो ये सब जो पूरा वोट बैंक इस समय टीएमसी के हाथ में, तो अकेले चुनाव लड़ेंगी तो उनको मालूम है कि हम कुछ अच्छा जीत पाएंगे, बाकी अगर किसी के साथ मिलकर जाएंगे दूसरे को लाभ मिलेगा, उनको लाभ नहीं मिलेगा। जितेंद्र माथुर, ये कांग्रेस के लिए एक खुद को कमजोर करने वाली स्थिति नहीं हो गई, क्योंकि एक समय पे कांग्रेस वो पार्टी थी जो रन किया करती थी चीजों को, लेकिन आज समय वो आ गया है, अगर आरजेडी की बात कर ले वो भी अलग ही जाती हुई दिख रही है, वहीं यहाँ पर एक ये फाग जो अलग होता दिख रहा है ममता बनर्जी का, इससे कांग्रेस किस स्थिति में अब पहुंच जाएगी? कांग्रेस अभी काफी नीचे जाएगी, और उसको इस समय सेटबैक तो है बहुत बड़ा, कि उसके अपने जो दल उन्होंने बना लिया था कुछ दल के अंदर भी, और फिर भी क्या हुआ कि दल में बाकी लोगों का खाली पार्टिसिपेंट है, वो उनको कुछ मिल नहीं रहा उसमें,
तो ये भी एक पॉइंट बनता है कि हमको कुछ मिल नहीं रहा है तो हम उसमें कब तक जुड़े रहेंगे, क्योंकि सब तो कुछ ना कुछ देने के लिए बैठे हैं, इस तरह सब्र क्यों करेंगे वो। और फिर फायदा इनकी मेहनत का फायदा दूसरे लेंगे। अच्छा दूसरा क्या, कांग्रेस ये सोचती है कि हमारा ही वोट बैंक है जिसको ये लोग यूज कर रहे हैं, तो वोट बैंक तो हमारा है, तो हम सारे तो हम इतने साल तक उस वोट बैंक को पालते रहे, उस वोट बैंक से यही लोग फायदा ले रहे हैं, बल्कि अपने आप बन के आगे खड़े हो गए और हमारे वोट बैंक इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे में सारी सिचुएशन उनके इसलिए खिलाफ जा रही है क्योंकि सारे लोग एक ही थाली में खाना खाना है, तो झगड़ा वो इसी चीज का है जी। तो ये अब एक और फांक कांग्रेस से अलग होते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी आपका ज्यादा जानकारी के लिए।